नमस्कार किसान भाइयों, कृषि भाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों को मिल रहा कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण, सरकारी योजना में दो दिन में खुले 11 लाख अकाउंट, एक ही पौधे में उगेंगे आलू टमाटर और बैगन, सरकार का फैसला मछली पालकों की बढ़ेगी आय। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के खातीपुरा में किसानों व अध्ययनरत चिकित्सकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षितों को कुक्कुट पालन में आने वाली समस्याओं के समाधान, कुक्कुट पालन की प्रक्रिया और उच्च नस्लीय व गुणवत्ता युक्त कुक्कुट पालन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान बेहतर तरीके से कुक्कुट पालन कर सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हों। तो वहीं प्रशिक्षण के बाद किसानों को निम्न दरों पर व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरत के अनुसार चूजे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सिर्फ 2 दिनों के अंदर करीब 11 लाख अकाउंट खोले गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड बचत योजनाओं को लेकर भारतीय डाकघर के द्वारा चलाए गए एक कैंपेन में बना। बता दें कि योजना के तहत बेटियों के अभिभावक प्रतिवर्ष 250 से 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, जिस पर सरकार के द्वारा 7.6% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। योजना में निवेश करने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। बता दें कि योजना के तहत एक परिवार की केवल 2 बेटियों को ही लाभ मिलता है। आप अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि यूनिवर्सिटी के वेजिटेबल अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर डीपी सिंह और उनकी टीम ने एक खास पौधा विकसित किया है। इस पौधे को मौसम के हिसाब से मेंटेन करके टमाटर, बैंगन और आलू एक साथ उगाया जा सकता है। वहीं से आसानी से अपने किचन गार्डन में भी लगाया जा सकता है। इस पर डॉक्टर डीपी सिंह का कहना है कि वाराणसी के वैज्ञानिकों ने क्रॉस प्रजाति बिमिट्रो तैयार किया है, जिसमें एक ही पौधे से 3 फसल उगाई गई है। बता दें कि अगले साल कानपुर में इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में लोग अपने घर के गार्डन में 3 फसलों को एक साथ उगा सकेंगे, जिससे उनकी लागत में भी कमी आएगी। भारत सरकार ने 2025 तक समुद्री खाद्य निर्यात को करीबन 2 गुना कर 14 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये जानकारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो 2023 के उद्घाटन समारोह में दी। उन्होंने बताया कि समुद्री खाद्य निर्यात में चालू वित्त वर्ष में 3% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2023 की दूसरी छमाही में दिल्ली में G20 देशों के बीच समुद्री खाद्य के नियमों में सामंजस्य पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मछली पालकों के हित के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। बता दें कि भारत करीबन 100 देशों को सुरक्षित समुद्री खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर रहा है। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको हमारा ये बुलेटिन, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।